So hello and welcome back. I'm Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. देखिए अगर आप 2025 में अपने चश्मा हटाने का ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं लेजर वाली टेक्नोलॉजी से, सो थोड़ा सा आपको आज की डेट में ये आइडिया होना चाहिए कि कौन से लेजर ऑपरेशंस आजकल अवेलेबल हैं, इसमें किस तरह की क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ विजन आती है, कौन सी टेक्निक यूज होती है, फ्लैप बनता है कि नहीं बनता, एंड मोटा मोटा इसकी कॉस्ट ऑल ओवर इंडिया कितनी रहती है। देखिए कॉस्ट हो सकता है 5-10 हज़ार ऊपर या नीचे हो जाए, क्योंकि डिपेंड करता है आप कौन से शहर पे, कौन सी मशीन पे, कौन से हॉस्पिटल से और कौन से डॉक्टर से ऑपरेशन करा रहे हैं, लेकिन मोटा मोटा कॉस्ट जो है 5-10 हज़ार ऊपर नीचे कर लीजिए, मोटा मोटा कॉस्ट हमारी ऑल ओवर इंडिया यही रहती है। अब सबसे पहले इसको मैं शुरू करूं, थोड़ा सा आपने ये समझना है कि क्वांटिटी क्या होती है और क्वालिटी क्या होती है। देखिए क्वांटिटी का मतलब होता है कि आप ये चार्ट किस लाइन तक पड़ जाते हैं। देखिए कोई भी आप लेजर ऑपरेशन करा लीजिए, किसी भी कैटेगरी का ऑपरेशन करा लीजिए, चश्मे का नंबर तो सारे ऑपरेशन हटाते हैं और 6x6 की नज़र तो सारे ऑपरेशन देते हैं। जो मेन खेल है आज की डेट में वो है क्वालिटी ऑफ विजन का, क्योंकि हर जगह आप इस चार्ट को लेके तो नहीं घूमने वाले, आपको अलग अलग लाइट्स में काम करना है, लो लाइट में काम करना है, ब्राइट लाइट में काम करना है, सामने फॉग हो रही है, स्मॉग हो रही है, उसमें काम करना है, उसमें क्वालिटी ऑफ विजन कैसी है, मोबाइल कंप्यूटर पे काम करना है, उस पर क्वालिटी ऑफ विजन कैसी है, बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड में आपको अपना डेप्थ ऑफ फोकस चेंज करना है, दूर का देखना है, बीच का देखना है, पास का देखना है, ये ट्रांजिशन कितने स्मूथली हो पा रहे हैं, एंड ओवरऑल विजन की क्वालिटी, रिचनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर्स, वाइब्रेंसी, ये चीज़ें कैसी हैं, ये सारा कुछ क्वालिटी में आता है। तो अब एक एक करके मैं आपको ये समझाने वाला हूँ और क्या क्या इनमें मेन डिफरेंसेज हैं वो बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले जो 30 साल पहले चश्मा हटाने के लेसिक ऑपरेशन इंट्रोड्यूस हुए थे उनका नाम था स्टैंडर्ड लेसिक। आजकल इन ऑपरेशंस को हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते। 6x6 क्वांटिटी ऑफ विजन मिलती है, चश्मे का नंबर ज़ीरो हो जाता है, नज़र 6x6 हो जाती है, लेकिन जो क्वालिटी इसमें आती थी वो एस्फेरिक लेवल की क्वालिटी आती है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ को डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए हैं, मैंने यहाँ पे स्टार से थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दिया है। तो एस्फेरिक क्वालिटी को मैंने 1 स्टार से रिप्रेजेंट करा है। एक बेसिक लेवल की क्वालिटी आती थी जब 30 साल पहले हमने चश्मा हटाने के ऑपरेशन करने शुरू किए थे। इन ऑपरेशंस में एक फ्लैप को बनाया जाता है और जो इसकी कॉस्ट है वो मोटा मोटा 25,000 रुपये पड़ती है दोनों आँखों की। लेकिन ये वाले ऑपरेशन आजकल हम लोग बिल्कुल नहीं करते, ऑब्सोलीट हो गए हैं, 25-30 साल पुराने हो गए हैं, आजकल ये ऑपरेशन कोई नहीं कराता। उसके बाद जो नेक्स्ट अपग्रेड आया वो था वेव फ्रंट गाइडेड टेक्नोलॉजी। तो इसमें कुछ लोग इसको वेव फ्रंट गाइडेड लेसिक बोलते हैं, कुछ लोग इसको कस्टम आइज वाला लेसिक कहते हैं। इसमें भी क्वांटिटी ऑफ विजन 6-6 आ जाती है, लेकिन क्वालिटी इसमें थोड़ी सी और बेटर आती है। तो हम लोग इसको वेव फ्रंट गाइडेड क्वालिटी बोलते हैं। डबल स्टार थोड़ा सा एस्फेरिक से बेटर आती है। ये ऑपरेशंस फ्लैप एंड फ्लैपलेस दोनों टेक्निक से करे जा सकते हैं। कॉस्ट जो इनकी पड़ती है मोटा मोटा 45,000 रुपये दोनों आंखों की पड़ती है। फिर हम नेक्स्ट अपग्रेड में आते हैं। नेक्स्ट जो अपग्रेड आया था उसका नाम है ऑपरेशन का कॉन्ट्यूरा या कॉन्ट्यूरा विजन। यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी सी और इम्प्रूव हो गई। तो 6-6 तो हम देते थे पेशेंट को, बट कुछ पेशेंट्स 6-6 के बियॉन्ड ऑलमोस्ट 10% पेशेंट्स, 100 लोगों का ऑपरेशन करेंगे तो 10 लोगों की नज़र जो है वो 6-6 से बियॉन्ड 6-5 तक आती थी। तो इसको हम लोग सुपरविजन कहते थे। क्वालिटी और बेटर हो गई, अब टोपोग्राफी गाइडेड क्वालिटी आती है, 3 स्टार क्वालिटी आती है। इसको हम फ्लैप के साथ कर सकते हैं और इसी का एक फ्लैप लेस वर्जन होता है एपिकॉन्ट्यूरा वाला, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा कि उसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंट होता है। एंड इसकी जो कॉस्ट है मोटा मोटा 95,000 दोनों आंखों की पड़ती है।
नेक्स्ट जो अपग्रेड आया वो थे लेंटिक्यूल बेस्ड फ्लैपलेस सर्जरीज, जिसको हम की होल सर्जरीज भी कहते थे। इसमें जो सबसे लेटेस्ट है आज की डेट में वो है सिल्क, उससे पुराना स्माइल प्रो, उससे पुराना क्लियर। लेंटिक्यूल वाले ऑपरेशंस बेसिक क्वांटिटी विजन देते हैं, 6-6 की विजन, एंड क्वालिटी भी जो है इसमें बेसिक क्वालिटी आती है। जो 30 साल पहले हम क्वालिटी देते थे स्टैंडर्ड लेसिक की फ्लैप के साथ, वही क्वालिटी हम लोग दे देते हैं लेंटिक्यूल वाले में फ्लैपलेस के एडवांटेज के साथ। इसकी कॉस्ट जो है वो मोटा मोटा 1,25,000 रहती है दोनों आँखों की। और अब जो सबसे लेटेस्ट अपग्रेड आ गया है वो है वेवलाइट प्लस इनोवाइज टेक्नोलॉजी। इसमें क्वांटिटी ऑफ विजन को और बेटर कर दिया है, तो इसमें 98% लोगों की नज़र जो है वो 6-6 से बियॉन्ड हो जाती है। जैसे कंटूरा में सिर्फ 10% को 6-5 का एडवांटेज मिलता था, वेवलाइट प्लस इनोवाइज में ऑलमोस्ट 98% लोगों को 6-6 से बियॉन्ड का एडवांटेज मिलता है, और पेशेंट की नज़र 6-5 से भी ऊपर कर देते हैं, 6-4, 6-3, इस तरह की ईगल्स आई विजन पेशेंट को हम दे पाते हैं। एंड इसमें जो क्वालिटी आती है वो बेसिकली रे ट्रेसिंग गाइडेड टेक्नोलॉजी है, 4-star क्वालिटी है, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी आज की डेट में इसमें दे पाते हैं। फ्लैप एंड फ्लैपलेस दोनों ही टेक्निक से करा जा सकता है, एंड कॉस्ट जो है इसकी मोटा मोटा 1,40,000 पड़ती है दोनों आँखों की। सो अगेन ये मैं आपको थोड़ा सा बस आइडिया देने के लिए समझा रहा हूँ कि 2025 में क्या क्या अपग्रेड्स आ गए हैं। एक जो मैंने मिस कर दिया वो था ट्रांस एपिथीलियल PR के, इसको हम बहुत कॉमनली नो ब्लेड, नो कट, नो टच, नो फ्लैप टेक्निक से जानते हैं। इसमें दो ऑपरेशंस पॉपुलर हैं, EpiContoura वाला एंड स्मार्ट सर्फ वाला। तो EpiContoura जो है ये टोपोग्राफी गाइडेड क्वालिटी देता है ये वाली, एंड स्मार्ट सर्फ जो है ये एस्फेरिक लेवल यहाँ पे ये वाली क्वालिटी देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए 2025 में कैसे कैसे लेज़र टेक्नोलॉजीज़ अपग्रेड हुई हैं और आज की डेट में कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हमारी प्रेफरेंस रहती हैं। सो अगेन इससे रिलेटेड और मन में कोई भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल बी बैक सून।